हालेलुया, सब कुछ हम सीखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। और डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन धन्यवाद की सामर्थ है। जिस तरह यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 की 41 आयत में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जितना आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो उतना ही आप ऊंचे होते हो। बाइबल में लिखा है कि लाजर बीमार था और किसी ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तेरा मित्र लाजर बीमार है, अभी उसको आकर चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह जिस जगह पर गए थे वहाँ पर 2 दिन और रुक गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि यह बीमारी जो है वह मौत की नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा की है। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग परमेश्वर के साथ नाराज होकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई, उनको बढ़िया नौकरी नहीं मिली और वे प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर जब यह बड़ी बात थी कि एक मनुष्य मर जाए, पर लाजर की बहनों ने फिर भी परमेश्वर को बुरा नहीं बोला, उसके आगे शिकायत नहीं की। फिर जब उसकी बहनों को किसी ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, फिर वह प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए गई और उसने कहा कि प्रभु, अगर आप जहां होते तो मेरा भाई ना मरता। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम तुझे नहीं मानेंगे, तू हमें मिलने के लिए नहीं आया और अब हमारा भाई भी मर चुका है, पर उन्होंने परमेश्वर के सामने शिकायत या नाराजगी नहीं दिखाई, उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। मेरे प्रियो, भावुक लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। लाजर की बहनें उस समय भावुक नहीं हुई बल्कि उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद ही किया। परमेश्वर के सामने भावुक होकर शिकायत न करें, नाराजगी न दिखाएं। शिकायत नाराजगी वहां पर दिखाएं जहां पर आप चीज़ों को बदल सकते हैं, पर जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते वहां पर सिर्फ आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे किसी को कैंसर की बीमारी है और वह रोज़ परमेश्वर का धन्यवाद करता रहे, फिर परमेश्वर उसको चंगाई देता है। पर अगर वह परमेश्वर से नाराज होकर प्रार्थना करनी बंद कर दे, परमेश्वर से दूर हो जाए, फिर वह अपनी चंगाई को ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, अगर लाजर की बहनें परमेश्वर से शिकायत करती तो वह परमेश्वर की महिमा कभी नहीं देख पाती, क्योंकि जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करते हैं फिर आपकी ज़िंदगी में बढ़िया गवाही बननी शुरू होती है। और धन्यवाद सिर्फ आशीष को देखकर ना करें, आशीष पाने से, चंगाई पाने से पहले ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाने से पहले रोटी ली और पिता का धन्यवाद किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि जब हम किसी चीज़ के लिए पहले से ही धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं फिर वह चीज़ पक्की है। वैसे ही जब आप किसी चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं फिर वह गवाही पक्की होती है, पर शैतान भी उस गवाही को रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपका परमेश्वर के सामने क्या हुआ धन्यवाद ही चीज़ों उन चीज़ों को बदल सकता है। इसलिए अपनी आशीष गवाही से पहले ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक छोटी गवाही के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर हालात में आपका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आपका धन्यवाद करना ही मेरी आशीष को पक्का करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।